हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज की वीडियो पूरा रहेंगी ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी पे, जो कि कलेक्टिव में क्या चल रहा है, क्योंकि न्यू मून आने वाला है और इसकी एनर्जी से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो सोचा कि एक रीडिंग आपके लिए कर दूँ और साथ में मुझे जो डाउनलोड्स हुए हैं, जो भी इस न्यू मून की एनर्जी से परेशान हो चुका है या फिर जो भी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से क्या हो रहा है उनके साथ, तो उनके लिए मुझे डाउनलोड्स भी हुए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जी रहेंगी, ठीक है, बिफोर हमारा आने वाला न्यू मून बक मून है उसके पहले, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन की बात करेंगे। अभी अगर कलेक्टिव में मैं डीएफ की करंट एनर्जी देखूँ तो बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारा स्ट्रगल हमारी फेमिनाइन कर रही है या कर चुकी है, लेकिन बहुत सारी फेमिनाइन की एनर्जी यही है कि वो खुद के साथ स्ट्रगल कर रही है, मतलब अपने लाइफ से, अपने आप से। हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है, अब ये स्ट्रगल डीएफ का खुद के साथ हो रहा है और खुद के लाइफ के साथ चल रहा है, मतलब बहुत सारे लेसन डिवाइन फेमिनाइन ने अपनी लाइफ से सीखे हैं और सीख रही है। एकदम से कर्मा बढ़ गया था और डीएम का कम, लेकिन कार्मिक बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, कार्मिक अटैक हो रहे थे, कन्फ्यूजन है, बहुत सारी एनर्जी है मिक्स वाली जो कि समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यू मून है, इस न्यू मून में बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन होगा, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी। तो इसीलिए ये आपके लिए अलर्ट है रीडिंग में, जो मैं सारे पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे लेसन हमारे फेमिनाइन ने अपने लाइफ में सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं। अब ये एनर्जी कई सारी डीएफ ने फील करी होंगी या करने वाली है। ये जो न्यू मून है तब तक ये एनर्जी आपके साथ बहुत ज़्यादा रहेंगी, उसके बाद भी रहेंगी, धीरे धीरे इसका असर कम होता जाएगा। डिवाइन फेमिनाइन के साथ ये इसीलिए हो रहा है कि धीरे धीरे वो बैलेंस में आ रही है, एक हारमोनी में आ रही है, बैलेंस उसके लाइफ में आ रहा है, ब्लेसिंग भी आ रहा है और साथ में यूनियन भी आ रहा है उनके मैस्कुलिन के साथ। 3D में डिवाइन फेमिनाइन अट्रैक्ट कर रही है अपने मैस्कुलिन को, अपने यूनियन को, क्योंकि डीएफ ने अपने इनर डीएम से कनेक्ट कर लिया है, उसने अपने इनर मैस्कुलिन को एक्टिव कर लिया है, अपने अंदर के मैस्कुलिन एनर्जी को उन्होंने एक्टिवेट कर लिया है। इसलिए बहुत सारे ट्रिगर भी उनको आ रहे हैं, बहुत सारी क्लैरिटी भी हमारे फेमिनाइन के लाइफ में आ रही है, इल्यूजन हट रहे हैं। ये जो न्यू मून है ये आपको यही सिखाने आएगा, आपके इल्यूजन हटा देगा, आपको क्लैरिटी भी मिलेंगी। लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई न्यू बिगनिंग आती है या कोई नया लेसन या नया कर्मा हमारे सामने आता है, जब रिलीज होता है कुछ नई एनर्जी, जब हम रिसीव करने लगते हैं तब बहुत सारा पेन होता है, वही सिचुएशन हमारे फेमिनाइन के साथ चल रही है। ये आने वाला न्यू मून आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज भी लेकर आया है। ये जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, पेन वाली है, जो आपको अकेलापन लग रहा है, जो खालीपन लग रहा है, आपको डिस्कनेक्ट फील हो रहा है, आपको अपना काम में मन नहीं लग रहा है, आपको डिवाइन से और सारे लोगों से डिस्कनेक्ट फील हो रहा है, सेल्फ लव की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, लो सेल्फ इस्टीम का इशू, बहुत सारे इशू हमारे फेमिनिन के ऊपर आ रहे हैं, ट्रस्ट का इशू भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, ईगो भी सरफेस हो रहा है। तो ये सब जो हमारा आने वाला न्यू मून है इस पर ये ख़त्म हो जाएंगे और इसकी एनर्जी धीरे धीरे आपको मतलब रिलीज़ होने लगेंगी। लेकिन ये आपके लिए हो सकता है कि इस टाइम आपको छोटा वाला ट्रिगर मिले या छोटा मोटा कुछ ऐसा ही, लेकिन जो जुलाई महीने के जो न्यू मून फुल मून होंगे इस टाइम ये थोड़े हेवी होंगे, ठीक है। ये जो न्यू मून है आपके और आपके डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर के सारी ओल्ड एनर्जी को रिलीज़ क्लीन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आप एक न्यू एनर्जी को फील कर पाएंगी, तो आपको अपने ट्रू एनलाइटमेंट तक पहुँचाएगा। जैसे कि जब ये जो ओल्ड एनर्जी है, जो नेगेटिव इमोशन है, इसे आप अगर रिलीज़ कर दोगे तो आपको ये जो एनर्जी है, ये जो ब्लेसिंग है, आपके ट्रू एनलाइटमेंट तक
लेके जाएंगी, जिससे आपको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग और बहुत सारी हीलिंग आपको मिलेंगी इस न्यू मून के ऊपर। ठीक है, भले ही अभी समय थोड़ा सा टफ है, बहुत सारा पेन का है, कन्फ्यूजन का है, जो हो सकता है कि इस न्यू मून के बाद आपको एक लाइट की एनर्जी फील होगी, ये जो एनर्जी है वो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएंगी। अभी करंटली डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर भी बैलेंस आ रहा है, डीएम का हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन के लिए इमोशनल भी है, डीएम और डीएफ दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आ चुका है, बहुत सारे डीएम डीएफ बात कर रहे हैं और बातें भी बैलेंस हो रही है, कई बार तो ट्रिगर भी हो रहे हैं, डीएम का ऑन एंड ऑफ हो रहा है, डीएम ट्रिगर भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ट्रिगर मिलता है तो समझ लेना कि डीएम आपको मतलब दिखा रहे हैं, आपको हेल्प ही कर रहे हैं कि तुम्हें इस एरिया पे काम करना है। एक स्टक की एनर्जी हमारी फेमिनिन के लाइफ में अभी चल रही है इस न्यू मून के बाद, बट इस न्यू मून के बाद आपको सभी प्रकार की ब्लेसिंग मिलेंगी, यूनियन भी आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, बट डीएम और डीएफ दोनों को अपनी जो कन्फ्यूजन की एनर्जी है उसको रिलीज़ करना होगा, क्योंकि दोनों तरफ कन्फ्यूजन है। जैसे आप अपने मैस्कुलाइन के बारे में या अपने कनेक्शन के बारे में कन्फ्यूजन फील कर रही है, सेम आपके डीएम आपको मिरर कर रहे हैं, क्योंकि मिरर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, टेलीपैथी में बहुत क्लियरली हो रही है इस टाइम। तो इसीलिए मैं बार बार आपको यही बोलते आ रही हूँ कि अपने थॉट और अपने जो अपने कनेक्शन के बारे में जो भी आप एनर्जी सेंड करती है उस पर हमेशा चेक रखना। इस वक्त अगर ट्विन फ्लेम की एनर्जी देखूँ तो दोनों तरफ बात करने की इच्छा है, डीएम को भी बात करनी है, फेमिनिन को भी करनी है, और बात भी नहीं करनी है। इस वक्त डिवाइन फेमिनिन आपको हार्ट चक्रा और सोलर चक्रा पे और थ्रोट चक्रा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे फेमिनिन के अंदर जेलेसी का इशू ऊपर आएगा, जजमेंट का इशू ऊपर आएगा, लो सेल्फ इस्टीम का इशू ऊपर आएगा और लो कॉन्फिडेंस का इशू भी ऊपर आएगा, और सबसे बड़ा कि आपको ट्रस्ट का इशू भी आएगा, तो इस पर आपको ध्यान देना है। लेजीनेस आपको महसूस हो सकती है, आप क्योंकि आपके जो चक्रास है कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो चुके हैं, स्पेशली अगर बात करूँ तो लोअर चक्रा की, तो फेमिनिन के लिए यही है कि आप अपने लोअर चक्रा से कनेक्टेड हो जाएंगी, आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर देना अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो। और साथ में हो सकता है कि आपको बॉडी पेन या जो भी फिजिकल पेन, आपके स्पाइन में दर्द हो रहा होगा, आपके नाभि के आसपास पेन हो रहा होगा, आपके हार्ट में, आपके सोलर में, और आपको डाइजेशन सिस्टम की बहुत सारी परेशानियां हो रही है, एसिडिटी हो रही है, स्पेशली अगर आप मेडिटेशन के लिए सुबह सुबह उठ रहे हो तब अगर आपको एसिडिटी फील हो रही है तो समझ जाना कि बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, आपके चक्रा पर आपको चेक रखना है। इस टाइम हाईली रिकमेंड करूँगी मैं चक्रा बैलेंसिंग के लिए और चक्रा क्लींजिंग के लिए, आप कुछ करो ना करो इस न्यू मून पर आपको चक्रा हीलिंग करनी ही है, चक्रा बैलेंसिंग करनी है और चक्रा की क्लींजिंग भी करनी है, चाहे आप कलर के साथ करो, चाहे आप क्रिस्टल के साथ करो, चाहे आप साइलेंट मेडिटेशन में जाके करो, लेकिन आपको अपने चक्रास को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, यही जो एनर्जी सेंटर होते हैं आपकी एनर्जी को ऊपर उठाते हैं, ऐसे बहुत सारे इशू हमारे फेमिनिन के और मैस्कुलिन के ऊपर आ रहे हैं और आने के बाद हील भी हो जाएंगे। डीएम और डीएफ दोनों तरफ अगर अटैचमेंट का इशू हो था तो वो ख़त्म हो चुका है या होने वाला है। अगर आपको लगता है कि अटैचमेंट डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में बहुत ज़्यादा है तो अपने अंदर भी एक बार देख लेना कि कहीं आपका अंदर, कहीं आप भी किसी 3D के चीज़ से अटैच तो नहीं है, तो समझ जाएंगे कि डीएम आपको मिरर कर रहे हैं। तो अटैचमेंट का इशू लगभग दोनों तरफ से ख़त्म हो रहा है। इस वक्त बहुत पेनफुल कर्मा क्लींजिंग हो रही है, इसके वजह से आपको पर्जिंग भी हो सकती है, आपको लव पर्जिंग हो सकती है, बॉडी से भी आपका बॉडी पेन भी हो सकता है, तो वो उसी को भी हम पर्जिंग भी बोलते हैं, क्योंकि बॉडी पेन होना मतलब आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है, तभी आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, इस वक्त बहुत सारी पेनफुल एनर्जी ऐसी भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी में चल रही है, कनेक्शन में चल रही है। ट्विन फ्लेम का ईगो ख़त्म हो रहा है, डीएम का स्ट्रगल शुरू है अपने ही आप से। ट्विन फ्लेम में डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों में बैलेंस आ रहा है और दोनों में कहीं ना कहीं सेम एनर्जी चल रही है इस टाइम, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मिरर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है।
तो चलिए बता देती हूँ कि मुझे क्या डाउनलोड्स हुए थे, क्या मैसेज दिए गए थे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि अगर आपकी आँखों में इन्फेक्शन हुआ है या आँखों में दर्द हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, तो समझ जाना कि आपकी थर्ड आई जो है वो बैलेंस हो रही है। बहुत सारे लोगों के साथ आँखों में इन्फेक्शन, आँखों में सूजन, आँखों में खुजली, दोनों ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये थर्ड आई अगर आपकी इम्बैलेंस है तो वो बैलेंस हो रही है इस टाइम, तो समझ जाना ठीक है। अटैचमेंट 3D से बहुत सारे लोगों का ख़त्म हो चुका है, जो इवन अपने माता पिता से या अपने फैमिली से भी आपको जो अटैचमेंट था ना वो ख़त्म हो रहा है, ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन भी 3D से डिटैच हो चुके हैं, जो उनका अटैचमेंट था 3D से वो बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म हो रहा है। तो ये आपके DM को आप मिरर करेंगे फेमिनाइन ठीक है। और एक है कि इस टाइम आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको सपने आए, इस टाइम आप अपने ड्रीम पर ध्यान रखेंगे। सपने में आपको आपके बचपन के घर या यादें, जो भी है आप रहते थे, जो भी है आपको सामने दिखाया जाएगा, और उसको याद करना, लिखना और समझ लेना कि आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। तो बचपन के सपने आएंगे, बचपन के पेन जिन लोगों ने आपको दिए थे वो भी आ सकते हैं। बचपन का घर दिख सकता है, बचपन का रास्ता दिख सकता है, फ्रेंड्स दिख सकते, कुछ भी ठीक है। साथ में आपको कपल बहुत सारे दिखेंगे, कपल दिखेंगे, हंस के कपल दिखेंगे, और अगर आपको हार्ट शेप दिख रहा है तो वो रेड कलर में दिखेगा, और वो भी कपल में। अगर इस तरह की एनर्जी आपको कपल वाली, हंस या किसी तरह का जोड़ा या हार्ट सिंबल जो कि रेड कलर का हो और वो आपको जोड़े में दिख रहा है कपल में, तो समझ जाना कि आपका यूनियन बस कुछ कदम की दूरी पर है। यूनियन की एनर्जी आपके लिए है ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आपको मदर गाय के पोस्ट बहुत सारे सामने आए, यूनिवर्स जो दिखाते हैं, जैसे पोस्ट होते हैं, मूवी होती है, पिक्चर होती है, फैंटेसी टाइप। अगर आपका मन कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे नेचर से, तो समझ जाना कि आपका जो आपकी जो एनर्जी है आपको ग्राउंड करने की ज़रूरत है, और आपका जो कनेक्शन है, आपका जो बेस चक्रा है वो कंप्लीट ओपन हो चुका है। आप अपने मदर गाया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इस टाइम, और आपको आपकी फेरी एंजल बहुत हेल्प करेंगी अगर आप हीलिंग करेंगे, अगर आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड करेंगे ठीक है। किसी किसी को ब्लैक स्वान भी दिख सकते हैं, तो समझ जाना कि ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ को दिखा रहा है, जो कि दिखाता है कि उनका रीबर्थ हो रहा है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में चल रहे हैं, उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, उनका एक डार्क नाइट का फेज चल रहा है ठीक है। हो सकता है कि आपको वाइट फेदर मिले, अगर जोड़े में मिले या सिंगल मिले, बार बार दिखे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। ये दिखाता है कि आपके जीवन में, आपके जर्नी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट, जो कि स्पिरिचुअल शिफ्ट या पॉजिटिव चेंज आ रहा है ओके। और एक और डाउनलोड आया था मुझे, जो कि आपकी लेफ्ट बॉडी पार्ट में आपको चोट लग सकती है बार बार, या आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, या बार बार उसको कोई, आप आ रहे जा रहे काम कर रहे लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे हिट हो रहा है। तो ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है, जो दिखाता है कि डिवाइन मस्कुलाइन अपने इनर फेमिनाइन से कनेक्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं, और उसको करने में या कनेक्ट होने में उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी हो रही है। क्योंकि इस टाइम अगर देखा जाए तो मैस्कुलाइन की एनर्जी जो है वो इमोशनल है ठीक है, तो ये एक एनर्जी है। उसके बाद हो सकता है कि आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको हार्ट में पेन हो सकता है, आपको सैक्रल में पेन हो सकता है, सोलर में पेन हो सकता है, जैसे पहले बताया मैंने, स्पाइन में पेन, बॉडी पेन, थकान, काम करने की इच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा नींद आना या नींद नहीं आना। अगर ये सारे साइन सिम्टम आपके साथ हो रहे हैं तो आपको चक्रा की क्लींजिंग करने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपनी एनर्जी को क्लीन करना चाहिए, आपको अपने चक्रा को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, हाँ, और आपके जो भी आपको बॉडी पेन हो रहा है, जो हद से ज़्यादा हो रहा है, जो आपको लग रहा है कि मैं विदाउट काम किए बिना थक रही हूँ, तो समझ जाना कि आपके अंदर की जो नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव एनर्जी है, वो रिलीज़ हो रही है। और ये एनर्जी इसके वजह से बढ़ती है जब भी कोई न्यू मून, फुल मून या पोर्टल आता है। आपको पता है कि इस टाइम असेंशन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, और हम जल्दी जल्दी हील होने लगते हैं, कर्मा जल्दी जल्दी रिलीज होने लगते हैं।
नंबर्स के बारे में बोल देती हूँ, 888-222-777-444, ठीक है, 144-936-9669, 111 और 122-133, मतलब इस तरह के नंबर जो होते हैं ना, 144-155 और मिरर नंबर। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होंगी और ये एनर्जी आपके मैस्कुलिन की भी है और आपकी भी है। तो यही था वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।